सामान मैं सामान नहीं हुआ, कोई दखलंदाजी नहीं हुई और बड़े इत्मीनान के साथ सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना की और सभी ने हमारा अभिवादन भी किया, हमारी बात को माना। बाजार बंद हुआ परंतु कहीं भी किसी तरह की कोई हथकड़ी नहीं हुई, लेकिन सरकार के लोगों ने, पुलिस ने जबरन ये इस तरीके की रिपोर्ट दर्ज की है। मेरे जैसा आदमी ये चल नहीं सकता, मैं चलने में असमर्थ हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्कूटर 3 व्हीलर पर स्कूटर पर ही बैठा हूँ, मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ, चलने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे जैसे आदमी को जैसे फोन कर सकते हैं, दो जगह, एक जगह नहीं दो जगह, 10-15 मिनट का अंतर रखता है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, हमारा जब तक एकता हमारी जब तक नहीं रहेगी, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे, हमने सरकार के खिलाफ, न्याय के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। न्यायालय ने हमारे प्रति वो जो आदेश निकाला वो नहायत ही गलत है, इसका हम विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारी हमारी उन बातों को अन्यथा लिया गया। अभी आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिपोर्ट दर्ज होगी कांश के बाद, मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, किसी अन्य जाति के आदमी ने किया है या मेरे जाति के आदमी ने किया है, मैं रिपोर्ट लिखाना चाहता हूँ, वहाँ यह जवाब मिलता है कि जांच होगी। क्यों भाई, जांच होने के बाद बंद होंगे, जांच होगी नहीं, उसी मानसिकता के लोग बैठे और जांच में मेरी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होगी, तो ये क्या कानून है, ये हम पर क्यों थपा जा रहा है। हमारा विरोध ये था, हमारा ये विरोध नहीं था, हमने कहीं कोई हमने खमन नहीं की, हमने कहीं कोई भदरावाजी नहीं की, कहीं कुछ ऐसा नहीं किया, और जब तक हमारे बीच में होते होंगे कुछ किया होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। जितना भी हमने प्रदर्शन किया है वहाँ कुछ फिर तक कुछ नहीं हुआ, और ये बिला वजह का बवाल हमारे सामने ये रखा है, ये दमनकारी इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है। इसलिए साथियों, हम अब दबने वाले नहीं। मेरे 85-86 साल की उम्र है, जब मेरे जैसा आदमी और मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, मुझे अभी 15-20 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ है और मेरा इलाज चल रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट मेरे साथ हैं, तो ये किसी को पकड़ नहीं रहे हैं, लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, जवान आदमी को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं जबरदस्ती तरीके से, उनकी इतना मारा पीटा जा रहा है कि उन्हें कह के महीने के लिए बेहोश किया जा रहा है। तो पत्रकार बंदेव, पत्रकार बहुत कुछ करता है, अगर मीडिया बिकावा नहीं होता तो भाजपा सत्ता में नहीं होती। मैं मीडिया की वजह से सत्ता भाजपा में आई, इन्होंने झूठ बोला, दोनों के दोनों बड़े नेता जबरदस्त तरीके झूठ बोलते हैं और उस झूठ को इतना बोलते हैं कि उसे सच में लाके इकट्ठा कर देते हैं। इसलिए साथियों, इनके झूठ कब तक चलेगा, ये अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है, लोगों को समझ में आ गई है और इससे दूर हो जाएंगे। मेरी बात में यही समाप्त करता हूँ, ये जय भीम जय भरत।